अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक कर रहा हूँ। हमारा एक सिलसिला चल रहा है जिसमें हम लोग मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की शॉर्ट वीडियोस तैयार कर रहे हैं। इसमें हमारा जो इन दिनों एक सीरीज़ चल रही है वो एम इंग्लिश की मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं। एम इंग्लिश, एम उर्दू, एम ए पोलिटिकल साइंस और एम ए इंटरनेशनल रिलेशंस और LLB के स्टूडेंट्स चाहें तो हमारी प्ले लिस्ट में जाके वीडियोज़ देख के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आज की हमारी जो टर्म है वो है पोइट्रिक ड्रामा या ड्रामेटिक पोइट्री। ये टर्म है जो आमतौर पर यूज़ होती है और इसके लिए क्लेरिफिकेशन की जो ज़रूरत थी वो तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है आपको बताता चलूँ कि जहाँ तक पोइट्रिक ड्रामे का ताल्लुक है तो इस तरह समझ लें कि अगर किसी ड्रामे के अंदर पोइट्री का इस्तेमाल किया गया है, वो ड्रामा पोइट्री की सूरत में लिखा गया तो उसको हम पोइट्रिक ड्रामा कहेंगे। अगर कोई पोइट्री का पीस है और उसके अंदर ड्रामाई सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है जिस ड्रामे के अंदर जो बुनियादी अनासर है उनको पूरा कर रही है, क्लाइमेक्स है, एंटी क्लाइमेक्स है, स्टोरी है, उसके अंदर एक प्रॉपर प्लॉट है, तो उसको हम लोग ड्रामेटिक पोइट्री कहेंगे। इसकी अगर पीछे की तरफ चले जाएं तो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि डॉक्टर फास्टस के अंदर भी पोइट्री इस्तेमाल की गई है। मार्लो ने बहुत ज़्यादा पोइट्रिक लाइंस या इसको ब्लैंक वर्स भी कह सकते हैं उसका इस्तेमाल किया है, लेकिन बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ जो है T.S. एलियट के दौर से होता है। T.S. एलियट ने पोइट्रिक ड्रामा की थ्योरी पेश की थी और हमारे यहाँ जो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर फुल लेंथ हमारे पास एक पोइट्रिक ड्रामा है वो है द मर्डर इन द कैथीड्रल। ये हमारा फुल लेंथ ड्रामा था जो पोइट्रिक ड्रामा था। जहाँ तक ड्रामेटिक पोइट्री का ताल्लुक है हमारे पास इसके लिए फेरी क्वीन बहुत खूबसूरत एग्जांपल है। उसके अंदर आपके पास पूरा का पूरा जो तमाम बुक्स हैं उसमें एक ड्रामाई सी सिचुएशन रहती है, गो के पोइट्री है लेकिन ड्रामी सूरत में। अगर हम लोग अपनी फोक लोर की तरफ आएँ तो वहाँ पर हमारे पास हीर राजा, सस्सी पुन्नू और मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमारी लोक दास्तानें हैं ये भी एक ऐसे अंदाज में लिखी गई हैं जिसको हम लोग ड्रामेटिक पोइट्री कह सकते हैं। पोइट्री है गो के लेकिन इसके अंदर एक स्टोरी डेवलप होती है। वारिस शाह इसमें बहुत एक हमारे पास मेन नेम है जो इस तरह की टेल लिखने वाले हैं, तो इन लोगों ने बहुत खूबसूरत अंदाज में ड्रामेटिक पोइट्री लिखी है। तो ऐसी पोइट्री जिसके अंदर ड्रामा मौजूद हो, एक सनसनी मौजूद हो, प्लाट मौजूद हो, कैरेक्टर्स मौजूद हों, क्लाइमेक्स हो, एंटी क्लाइमेक्स हो, तो हम उसको ड्रामेटिक पोइट्री कहेंगे। और ऐसा ड्रामा जिसके अंदर पोइट्री हो, यानी वो जो ड्रामा लिखा गया वो लाइंस उनकी जो है वो पोइटिक स्टाइल में हो तो हम उसको पोइटिक ड्रामा कहेंगे। तो हमारे पास जो प्रॉपर एक फुल लेंथ पोइटिक ड्रामा है वो है मर्डर इन द कैथीड्रल। तो ये हमारी आज की वीडियो है पोइटिक ड्रामा और ड्रामेटिक पोइट्री। तो अपना और दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम।